गर्मी में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक और घटना सागर जिले के खुरई क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक किराना दुकान में अज्ञात कारण से आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा कीमती सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कटेली गांव में रहने वाले राघवेंद्र सिंह घोषी अपने खेत पर गए थे, तभी उसकी किराना दुकान आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि आग को काबू में करने के लिए दमकल पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस आग से दुकान में रखा फ्रिज, लैपटॉप, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक मोबाइल, 3 पंखे, फर्नीचर सहित 24,000 रुपए जलकर खाक हो गए। जब इस बात की सूचना राघवेंद्र सिंह को लगी तो वे भागे भागे दुकान पहुंचे, लेकिन सामान को नहीं बचा सके। उन्होंने बताया कि इस आग से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे आसपास के मकान भी चपेट में आ जाते। सर, ग्राम कठेली में राघवेंद्र घोषी किराने की दुकान थी, तो हम खेत पर थे, दुकान बंद थी। तो सर, हमारी पत्नी ने देखा तो पड़ोसी को बुलाया, उनने हमें फोन लगाया तो हम आए तो बहुत सारी आग लग चुकी थी अचानक, और पूरा सामान जल गया, फ्रिज, मशीन, फोटोकॉपी, प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह, और कुछ पैसे भी रखे थे, सामान रखा था दुकान का किराने का, वो भी जल गया। सब लोग आए, फिर मोटर चला के बुझाई, फिर फायर ब्रिगेड आया, उसने बुझाया। फिर ऐसे बहुत सारा नुकसान, नाट है, पट्टी है, जल रही ऊपर की जो छत पे थी, फर्नीचर दुकान का पूरा, ऐसे बहुत सारा सामान नुकसान हो गया था। से योगेंद्र सिंह गौर, सागर टीवी न्यूज़।